ये वीडियो उन सारे लोगों के लिए है जो कि काफ़ी परेशान है, काफ़ी जो है सोच रहे हैं कि कोर्स 504 और 505 का एग्जामिनेशन हम लोग कैसे देंगे, किस प्रकार से देंगे। तो यदि आपके भी मन में कोर्स 504 505 को लेकर अगर आपके भी मन में क्वेश्चन उठ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जिसका यहाँ पर काजल कुमारी एक पर्सन है जिन्होंने 15 मिनट पहले पहले जो इन्होंने क्वेश्चन किए लिखे हैं कि जिसका 504 और 505 एग्जाम छूट गए हैं वो दोबारा एग्जाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो यदि 504 505 एग्जामिनेशन चाहे छूट गए हो, चाहे आप अब्सेंट होंगे, चाहे आप फेल करते हैं किसी भी कारणवश, कोर्स 501 से लेकर 505 तक का, यानी ये बात नहीं है कि यह वीडियो सिर्फ 504 और 505 के लिए, यह जो है वीडियो 501 से लेकर 505 तक का किसी भी एग्जामिनेशन में अगर आप फेल हो जाते हैं या अब्सेंट हो जाते हैं तो दोबारा कब आप दे सकते हैं। तो यदि आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के साथ जरूर बने रहें, हम आपको बताएंगे कि आप कोर्स 504, 505 या 501 से लेकर 505 का एग्जामिनेशन दोबारा कब और किस वक्त आप दे सकते हैं वीडियो के साथ जो। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप सभी को वेलकम करते हैं, वेलकम टू आवर डिजिटल क्लास। हमारे डिजिटल क्लास में आप सभी का स्वागत है। यह हम जो बात करने वाले हैं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको शॉर्ट में डीएलएड कहते हैं, उन सारे कैंडिडेट के लिए जो एनआईएस से कर, उनके लिए आज बहुत ही खास एंड ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन लाए। आज की इस सेशन पर हम बात करने वाले एनआईएस डीएलएड जो है कोर्स 504 एंड 505 एग्जामिनेशन कब दे सकते हैं। तो आइए इसी विषय के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ कोर्स 506 और 507 का ही एग्जामिनेशन डेट के बारे में यहाँ पर जो है शो हो रहे हैं, यानी कि दिखाई दे रहे हैं 20 दिसंबर को और 21 दिसंबर को 2 बजे से लेकर 5 बजे तक, 2 बजे से लेकर 5 बजे तक एग्जामिनेशन होंगे कोर्स 506 और 507। अब यहाँ पर जो है 504, 505 या कोई भी सब्जेक्ट में फेल होते हैं या अब्सेंट है तो उन सभी एग्जामिनेशन कब आप दे सकते हैं। तो आप सभी को हम बता दें कि कोर्स 501 से लेकर 505 तक का एग्जामिनेशन का रिजल्ट जो है जैसे ही यहाँ पर, यानी कि सेकंड सेमेस्टर का जैसे रिजल्ट आएंगे उसके बाद 10 दिन का वेट, 10 दिन के लिए आपको फिर से पोर्टल खोले जाएंगे। पोर्टल कहने का मतलब है कि एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का पोर्टल जो है फिर से खोले जाएंगे जैसे रिजल्ट आएंगे। उसमें आप कोर्स 501 से लेकर 505 तक का कोई भी सब्जेक्ट में फेल होते हैं या कोई भी सब्जेक्ट में अब्सेंट होंगे या फॉर्म किसी कारणवश नहीं भर पाए होंगे तो दोबारा कोर्स 501 से लेकर 505 तक का एग्जामिनेशन के लिए आप दोबारा फॉर्म रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और फिर से एनआईएस के ऑफिशियली वेबसाइट पर एक नई डेट आएंगे, एग्जामिनेशन का डेट आएंगे जिसमें घोषित होंगे 501 से लेकर 505 तक का एग्जामिनेशन का तिथि, और आप उसी वक्त ही आप दोबारा अपने एग्जामिनेशन को दे सकते हैं और सक्सेसफुल करके दे सकते हैं। यहाँ पर आपने देखें कि कोर्स 501 से लेकर 505 तक का एग्जामिनेशन कब दे सकते हैं, क्योंकि आप सभी इस नोटिफिकेशन को आप देखे होंगे कि बहुत पहले इस नोटिफिकेशन आ गए थे जिसमें सिर्फ 506 और कोर्स 507 के बारे में ही जिक्र किए, दो ही कोर्स कोड के बारे में जिक्र किए, बाकी कोर्स कोड के बारे में जिक्र नहीं किए हैं। उसके बाद इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद बहुत सारे लोगों के मन में काफ़ी क्वेश्चन उठने लगे थे, जिसके कारण हमारे इसी चैनल पर जो है कमेंट करके पूछना स्टार्ट कर दिए। तो आई होप आप सभी जो कोर्स 1 से लेकर कोर्स 505 तक का पूरा डिटेल्स में आप समझ चुके होंगे। अगर फिर भी कोर्स 501 से लेकर 505 या एनआईएस डीएलएड से किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या है तो नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कोर्स 501 से लेकर 505 तक का आप दोबारा एग्जामिनेशन तभी दे सकते हैं जब आप सेकेंड ईयर में सक्सेसफुल आप एडमिशन लिए होंगे। आप नीचे कमेंट करके यह बताएं कि क्या आपने सेकेंड ईयर में अपना एडमिशन लिए थे या नहीं लिए थे। अगर नहीं लिए थे तो भी आप हमें कमेंट करके बताएं, अगर ले चुके हैं तो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप आप सभी इस वीडियो को काफ़ी हेल्पफुल होंगे, काफ़ी समझ चुके होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। फिर मिलते हैं कोई एक नई वीडियो के साथ।